ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 1 पार्ट 1। ये कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, जब गोकू और वेजिटा पहली बार फ्यूज होकर ब्रोली को हराते हैं और गोकू की काइंडनेस की वजह से उनका एक काफी ताकतवर दुश्मन अब उनका काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। और इन सब हादसों के बावजूद भी अर्थ पे काफी ज्यादा शांति थी, पर पास्ट में लिया हुआ एक गलत फैसला पूरे फ्यूचर को बदल देने वाला था। एक बिना सोचा समझा लिया हुआ फैसला कितनी बड़ी दिक्कत बन सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 6, जहां लॉर्ड चांपा और वेडोस प्लैनेट सडाला पे आए होते हैं। हम देखते हैं कि कैलीफ्ला कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है। वो बोलती है, लॉर्ड चांपा मुझे अपनी कुछ टेक्निक सिखाइए। और तभी अचानक से लॉर्ड चांपा को कुछ महसूस होता है, वो हैरान हो जाता है और बोलता है ये क्या है। कैफ्ला अभी भी उतनी ही एक्साइटेड होती है और वो बोलती है मुझे भी इतना पावरफुल बनना है कि कुछ प्लैनेट को मैं आसानी से तबाह कर सकूं। लेकिन तभी हर जगह भूकंप आना शुरू हो जाता है और ये देख के सब लोग हैरान रह जाते हैं। पर लॉर्ड चांपा और वेडोस जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। कैफ्ला बोलते हैं कि क्या ये उन टेक्निक्स में से एक है जो आप मुझे सिखाने वाले हैं। तभी चांपा वेडोस से पूछता है इस यूनिवर्स में बीरस क्या कर रहा है। वेडोस बोलती है मैं भी यही जानना चाहती हूँ। तभी कैलीफ्ला पीछे से बोलती है अब गोकू से बदला लेने का समय नजदीक है खेल, तुम बस हमारा इंतजार करो गोकू। तभी चांपा कैलीफ्ला की तरफ देखता है क्योंकि वो जानता है कि अभी कैलीफ्ला गोकू के आसपास भी नहीं है। और तभी हमें यूनिवर्स 11 दिखाया जाता है, राजा बेलमोर्ड मार्क्रीटा और टोपो कुछ बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं गोकू। उन दोनों को गोकू की ताकत महसूस हो रही थी। गोकू की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि यूनिवर्स 11 में भूकंप आ रहा होता है, चीजें टूट रही होती हैं। तभी मार्क्रीटा बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो सब हमारे बिल्कुल पास ही हों। और ये सब वो एक मुस्कुराहट के साथ बोलती है क्योंकि वो जानती है कि गोकू की ताकत किस हद तक बढ़ चुकी है। फिर हमें यूनिवर्स 7 को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हर जगह भयंकर तूफान आ रहा होता है, चीजें एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाके गिर रही हैं। फिर हमें क्रिलिन को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिसमैन है और उसके चेहरे को देख के पता चल रहा है कि वो जानता है कि ये कोई साधारण तूफान नहीं है। क्रिलिन वहाँ लोगों की जान बचा रहा होता है। क्रिलिन बोलता है कि आप सब डरिए मत, एक एक करके बस से बाहर आ जाइए। क्रिलिन काफी सीरियस होता है, वो बोलता है कि गोकू क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इस ताकत की खोज ने तुम्हें काफी दूर पहुंचा दिया है। फिर हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में होता है और बीरस को देख के पता चल रहा है कि वो काफी ज्यादा खुश है। हम सब बीरस को पहली बार इतनी ताकत यूज करते हुए देखते हैं, पर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत के आस पास भी नहीं है। फिर हम बीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं जहाँ हमें विस और ओरिकल फिश दिखाए जाते हैं। विस इस फाइट को काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है और तभी विस के पास एक कॉल आती है। ये कॉल होती है सुप्रीम काय की। वो बोलते हैं कि ऐसे अचानक से कॉल करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, इस समय हमारे यूनिवर्स बहुत ही बुरी तरीके से हिल रहा है। सन गोकू और लॉर्ड बीरस के ओरे का प्रेशर बहुत ही भयंकर हो चुका है, हम आपसे जान सकता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। तभी भी हंसते हुए बोलता है इस वक्त जो तुम देख रहे हो वो गोकू की ट्रेनिंग का फल है। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि अपनी ताकत को देख के हैरान हो रहा होता है। और तभी हम बीरस का हाथ देखते हैं जो कि कीब्लास अटैक बना रहा होता है और तभी बीरस गोकू पे कीब्लास अटैक कर देता है जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से बच पाता है। फिर गोकू भी बीरस पे सेम अटैक करता है लेकिन बीरस इस अटैक से बहुत ही इजीली बच जाता है और उन दोनों के अटैक के कारण दो मून तबाह हो जाते हैं। उन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रहती है। बीरस इस फाइट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि बहुत समय बाद बीरस को कोई ऐसा मिला है जो कि उसे इतनी ताकत के साथ टक्कर दे रहा है। उन दोनों से ही इतनी ज्यादा ताकत निकल रही होती है कि आसपास के प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट तबाह हो रहे होते हैं। गोकू बीरस के ऑलमोस्ट सारे अटैक डोज कर रहा होता है लेकिन तभी बीरस अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और उसके सिर पे जबरदस्त लात मारता है। ये किक इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है कि गोकू के मुंह से खून निकलने लग जाता है, पर गोकू खुद को संभाल लेता है और काफी सारे कीब्लास अटैक बीरस की तरफ करता है। पर बीरस इन सभी अटैक्स को दूर कर लेता है और गोकू के ही कीब्लास अटैक को पकड़ के उसी की तरफ फेंक देता है और गोकू ये सब देख के बहुत ही हैरान रह जाता है। गोकू के ही किए हुए कीब्लास अटैक गोकू को ही आगे लगते हैं। गोकू इन अटैक्स की वजह से काफी ज्यादा घायल हो जाता है। गोकू की बॉडी में से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है पर अभी भी गोकू ने हार नहीं मानी होती और बीरस ये सब देख के हैरान रह जाता है। और जब तक कि बीरस कुछ समझ पाता गोकू अचानक से बीरस के पीछे आ जाता है और एक बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा बीम बना के बीरस को मार देता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बीरस बहुत सारे प्लैनेट्स को टकरा के उनके आर पार निकल जाता है।
बीरस को इस अटैक से काफी ज्यादा चोट आई होती है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। पर बीरस अभी भी रुका नहीं होता, वो एक बहुत ही बड़े प्लैनेट से जाके टकराता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। पर गोकू ये जानता है कि बीरस को हराने के लिए काफी नहीं है, पर उसने कम से कम बीरस को थोड़ा तो मजा चखा ही दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और अगर तुम्हें पूरी वीडियो एक साथ देखनी है तो तुम्हें मेरी बायो में लिंक मिल जाएगी।